हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये राउंड शेप कलियों वाला डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसे मैं आपको पहले भी ज़्यादा फंदों में बता चुकी हूँ, आज मैं इसे 34 फंदे में बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, काफ़ी कमेंट आ रहा था कि उस वाले डोरमेट में काफ़ी झोल आ रहा है, तो ये वाला डोरमेट अगर मैं जितनी कली बैठ रही है अगर उतना नहीं बनाएंगे तो इसमें झोल ही आएगा। तो आपका जितनी भी कली में ये पूरा डिज़ाइन बैठ रहा है उतनी कली बना लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बना हुआ है। सबसे पहले इसमें फंदे ले लेंगे, तो इसमें 32 फंदे हम लोग ग्रीन कलर से ले लेंगे। इस तरह से फंदे ले लेते हैं सारे। और दो फंदे रेड कलर से लेने होंगे इसमें। इस तरह से ये 34 फंदा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से देखिए एक लाइन बिनना है, ऐसे ही सिंपल सिंपल, जहाँ पे जो जैसा कलर है। तो रेड वाले दो फंदे बिन लेंगे, उसके बाद ये ग्रीन वाले धागे से ग्रीन वाला फंदा बिन लेंगे। इसी तरह से उल्टा उल्टा ही बिनना है, बिनते हुए एकदम अंत तक कर लेते हैं। ये देखिए अंत तक आ गए हैं, सारे फंदे बिन लिए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक एक बार बिन लेते हैं। पहला फंदे हमेशा उठा लिया करेंगे अंत का, और यहाँ से सबको उल्टा उल्टा बिनते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ऊपर की तरफ जहाँ तक ये ग्रीन कलर है वहाँ तक बिन लेते हैं, 32 फंदे बिन लेते हैं। देखिए ये देखिए सारे ग्रीन कलर वाले फंदे बिन लिए हैं। अब धागा को उल्टे साइड में कर देंगे और रेड वाला धागा सामने ले आएंगे, और जो दो फंदा रेड का है उसे भी बिन लेंगे इस तरह से सेकेंड लाइन से। अब यहाँ से देखिए ये जो रेड वाले दो फंदे हैं उन्हें बिनेंगे, उसके साथ ही जो ग्रीन वाला दो फंदा है उसे भी रेड कलर से ही बिनेंगे। देखिए इस तरह से। अब धीरे धीरे ये रेड वाला फंदा नीचे जाता जाएगा, जैसे कि देखिए इस वाले डोरमेट में है। धीरे धीरे ये नीचे की तरफ जा रहा है, दो दो फंदा करके उसी तरह इसमें कर रहे हैं। अब जो बाकी फंदा है उसे ग्रीन कलर से बिनेंगे। बाकी इसमें 30 फंदा बचा होगा, इसे ग्रीन कलर से बिन लेते हैं। इस तरफ से बिनते हुए अंत तक कर लेते हैं। अंत में इसमें दो फंदा छोड़ देंगे बिना बुने हुए, क्योंकि इस वाले डोरमेट में दो दो फंदा करके ही छोड़ना है। इसमें यहाँ तक कर लेते हैं, ये दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए अंत तक आ गए हैं, ये दो फंदा बिना बुने छोड़ दिए। ये वाली इधर इसकी सीधी साइड है, इस तरफ से बिनते हुए ऊपर तक कर लेंगे जहाँ पे जो जैसा कलर है। ये देखिए इस तरह से बिन लेंगे। और ऊपर में जो चार फंदे हैं उसे रेड कलर से बिनेंगे। दिखाते हैं, देखिए ये धागा को उल्टे साइड में कर देंगे और रेड वाला धागा सामने ले आएंगे, इस तरह से क्रॉस कर देंगे और इसे फिर बिन लेंगे। ये देखिए फिर से ऊपर की तरफ आए। और जो रेड वाले फंदे हैं उन्हें बिन लेंगे, और दूसरे लाइन की तरफ फिर से ही इसमें दो फंदा ग्रीन वाला रेड कलर से बिन लेंगे। अब धीरे धीरे ऐसे ही दो दो फंदा करके ये बढ़ता जाएगा, रेड वाला और ग्रीन वाला को ग्रीन धागे से बिन लेंगे, और फिर से अंत में जाके दो फंदा बिना बुने छोड़ देंगे। सेम ही है जैसे वो वाला किए थे, बिल्कुल वैसे ही इसे कर लेंगे। ये देखिए
इसे अंत तक कर लेते हैं। ये देखिए अंत तक आ गए। अब इसे यहाँ पे दो फंदा फिर से छोड़ देंगे, इस तरफ आ जाएंगे सीधी साइड, और जहाँ पे जो जैसा कलर है वहाँ वैसे ही बिन लेंगे। ये देखिए ऊपर की सब तरफ आ गए हैं। फिर से वैसे ही पहला फंदा सीधा बिन लेंगे इस तरह से, और बाकी रेड वाले फंदे को बिन लेंगे, और फिर दो फंदा और ग्रीन वाला रेड फंदे से बिन लेंगे। अब ऐसे ही दो दो फंदा करके ये नीचे की तरफ चलता जाएगा। अभी देखिए ये आठ फंदा हुआ है, और आठ फंदा ऐसे ही कर लेंगे तो ये 16 फंदा हो जाएगा, और उधर से दो दो फंदा करके ग्रीन वाला छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से ये आठ हो गया है और आठ बिन लेंगे, उधर से दो दो फंदा करके छोड़ेंगे 14 फंदों तक। इतना कर लेते हैं, इसके बाद आगे बताते हैं ये क्या करना है। ये देखिए इसमें 16 फंदे रेड के कर लिए हैं, और इधर से दो फंदे करके 14 फंदे तक छोड़ दिए हैं। अब यहाँ अंत में चार फंदे रह गए। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, ये फिर से बाकी जो 16 फंदे रेड वाले हैं बिन लेते हैं। और दो फंदे जो है चार में से, उनमें से दो फंदे कन्वर्ट कर लेंगे रेड में। बाकी जो इधर 14 फंदे थे और ये दो फंदे जो बच गए, वो 16 फंदे ग्रीन वाले धागे से बिनेंगे। इसे अंत तक बिन लेते हैं। ये देखिए सारे फंदों को बिन लिए। अब इधर में 18 फंदे रेड के और 16 फंदे ग्रीन के हो गए। फिर से ये पहला फंदा हमेशा उठा लिया करेंगे, धागे को अच्छे से खींच लेंगे, और सीधी साइड में जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही बिन लेंगे। ये देखिए बिनते हुए ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से देखिए ये सीधी साइड है इसकी। अब यहाँ से देखिए ये, अब ये जो ग्रीन वाला इस तरफ जा रहा था, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे इसमें है ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा, वैसे ही। तो अब रेड वाला फंदा ग्रीन वाले धागे से कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ 18 फंदा था तो 16 फंदा ही बिनेंगे इस लाइन में। 16 फंदा रेड वाला फंदा बिन लेते हैं। ये देखिए जो दो फंदा है उसे ग्रीन वाले धागे से बिनेंगे। ग्रीन वाला धागा यहीं पर है, इसे बिन लेते हैं। अब फिर से यहां से अंत तक कर लेते हैं, यहां दो फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए अंत के दो फंदे बिना गुने छोड़ देते हैं। सीधी साइड में जो जैसा कलर है वैसे ही बिन लेंगे। अब फिर से आ गए हैं ऊपर की तरफ। फिर से अब यहाँ पे 16 फंदे हैं, तो अब 14 फंदे तक रेड वाला फंदा बिनेंगे। अब धीरे धीरे ये ग्रीन वाला बढ़ता जाएगा और ये रेड वाला कमता जाएगा। ये देखिए जो दो फंदा रह गया इसे ग्रीन धागे से, फिर से बाकी फंदों को बिन लेंगे, फिर अंत में दो फंदे छोड़ेंगे। अब ऐसे ही धीरे धीरे ये वाला रेड वाला फंदा ग्रीन धागे से बिनते जाना है, और इधर में दो दो फंदे करके छोड़ते जाने हैं। तो शुरुआत ये पहली वाली कली जो ये वाला यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे 14 फंदे तक छोड़े थे, तो इसमें भी 14 फंदे तक छोड़ लेते हैं और ये कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे ऊपर तक कर लेते हैं।
ये देखिए इसे बढ़ाते हुए ग्रीन वाला धागा यहाँ तक आ गया, अंत में सिर्फ चार फंदे हैं। अभी यहाँ पे ये दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह ये 14 फंदे छोड़ दिए हैं, तो और दो फंदे ग्रीन वाला में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का दो ही फंदा रेड का था इस तरह से, और ये दो फंदे ग्रीन धागे से। इस बार जाके 16वां फंदा छोड़ देंगे। ये देखिए ये दो फंदे छोड़ देते हैं। अब इधर से सबको बिन लेते हैं सीधी साइड से। अब यहाँ से देखिए फिर से ऊपर में आ गए हैं। अब यहाँ से एक लाइन बिनेंगे अंत तक, इसमें जो बार बार एक लाइन ये बिनाता है अंत तक, इसके वजह से ये जो बीच में यहाँ पे गोलाई आती है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि एक फंदा उधर से उठा लिया करिए यहाँ जो बीच में आता है उसके लिए। अब यहाँ से एक लाइन बिन लेते हैं, सिर्फ दो फंदा ही रेड का बिनेंगे, बाकी सारे फंदे को ग्रीन से बिन लेंगे। ये देखिए अंत तक बिन लिए। अब एक लाइन फिर से यहाँ से बिनते हुए ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ये पहला फंदा उठा लेते हैं। ये देखिए फिर से अब यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक बार ऐसे घटा फिर ये बढ़ा, अब फिर से यहाँ पे घटना शुरू होगा, जैसे यहाँ पे बढ़ा फिर ये घटा वैसे ही। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये दो जो रेड वाला फंदा है उसे बिन लेते हैं, इसके बाद और दो फंदे बिनेंगे रेड वाले धागे से। ये देखिए इस तरह से ये एक लाइन हम लोग यहाँ पे बिन चुके थे, अब फिर से यहाँ शुरू अंत से दो दो फंदे करके छोड़ने हैं 14 फंदों तक। इसके बाद हम लोग इसी तरह से बिन लेते हैं, अंत में दो फंदे छोड़ देते हैं। यहाँ तक कर लेते हैं, ये देखिए अंत के ये जो दो फंदे हैं इसे छोड़ देते हैं बिना बुने, और फिर सीधी साइड में बिन लेते हैं। ऊपर तक कर लेते हैं इसे। ये देखिए यहाँ पे आए, यहाँ पे चार फंदे रेड वाले बिन लेते हैं। अब ऐसे ही ये रेड वाला धागा धीरे धीरे नीचे जाएगा, ग्रीन वाला धागा कमता जाएगा इस तरह से। फिर से आ गए हैं, अब ऐसे ही दो दो फंदा करके ये कन्वर्ट करते जाएंगे और इधर 14 फंदे तक छोड़ेंगे। अब बीच में जैसे यहाँ पे लाइन बना है ये वाला एक लाइन, वैसे ही बना लेंगे। ऐसे ही करके ये सारी कली को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये एक साथ बना हुआ है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अलग अलग बना के जोड़े हैं क्या, तो नहीं देखिए ये एक साथ बना हुआ है सब। अब ये बढ़ा हुआ था, पहले यहाँ से स्टार्ट किए ये कमा फिर बढ़ा, अब फिर से ये कमेगा फिर बढ़ेगा, ऐसे ही देखिए सारी कली को कम्प्लीट कर लेना है। ये देखिए जब इसे गोलाई में हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे तो अभी हम लोग का धागा यहाँ पे आया है। देखिए पूरा सारी कलियाँ कम्प्लीट हो गई हैं यहाँ पे धागा। अब यहाँ से सारे फंदों को बंद कर लेंगे, जैसे हम लोग एक लाइन बिनते हैं वैसे ही एक लाइन यहाँ पे बीच वाला बिन लिए हैं। अब यहाँ से फंदे बंद कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ से दो फंदे साथ में लेकर के फंदे बंद कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ तक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसे सारे फंदों को बंद कर लिए हैं। अब यहाँ पे सुई धागे से इसे सिलाई कर लेंगे, यहाँ से ऐसे सिलाई कर लेंगे और ये जो गोलाई है इसे भी सिलाई कर लेंगे।
धागा कट कर लेते हैं। ये देखिए, इसे सिलाई कर लिए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।